हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निष्ठा होम किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुल्फ़ी। कुल्फ़ी गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और हम यहाँ पर व्रत वाली कुल्फ़ी बनाएंगे। उसको बड़े और बच्चे सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप व्रत हों तब भी इस कुल्फ़ी को बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच सके। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पर यीस्ट कप से एक कप साबुदाना लिया हुआ है और इसको मिक्सी जार में डालकर और इसको बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, ढक्कन लगा के और इसको बिल्कुल बारीक पीसना है और मिक्सी जार को रोक रोक के पीसना है। और ये देखिए, यहाँ पर हमने साबुदानों को पीस लिया है और साबुदाना को पीसने के बाद इसी कप में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी कप से हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर एक कप साबुदाना लिया हुआ है, तो इसी कप से हम 3 कप पानी ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 कप पानी ले लिया और इसको सोक्ड होने के लिए आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ढक्कन से कवर कर दिए हैं और आधे घंटे के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। और इधर हमने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ये देखिए, यहाँ पर फुल फिल क्रीम दूध लिया हुआ है और इस 1/2 लीटर दूध है। और लेने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए गाढ़ा करेंगे और ये देखिए, यहाँ पर दूध में अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध को हम चलाते हुए गाढ़ा कर लिए हैं और इसमें डालने के लिए इधर साबुदाना भीग चुका है, 1/2 घंटा हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है साबुदाना का। और इसमें डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम जिसको बारीक चॉप कर लिया और पिस्ता लिया हुआ है 1 टेबल स्पून, इलायची पाउडर लिया और शुगर लिया हुआ है 1 कप। इधर दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है और अब इसके अंदर जो हम साबुदाना सोक्ड होने के लिए रखे थे उसको इसी के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम साबुदाना को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूथ बैटर बन गया है और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसके अंदर हमने 1 कप शुगर लिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पर पीसी हुई शुगर लिया है, आप ऐसे खड़ी शुगर भी ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हूँ। यदि आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कप डाला है और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दिया है और ये देखिए, बिल्कुल ये गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, यहाँ पर बादाम और पिस्ता डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम इलायची पाउडर लिए थे उसको भी इसी में ऐड कर दिए हैं और इस सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर बैटर बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बैटर बिल्कुल ठंडा हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं और अब इसको हम एक एयर टाइट डिब्बे में भर लेंगे। तो यहाँ पर एक डिब्बा ले लिया है और इसमें भर लिया है। अब इसके बाद इसको हम फ्रीजर के अंदर रख देंगे ये लगभग 1 घंटे के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और निकालने के बाद इसको हम चला के देख रहे हैं। देखिए, बैटर गाढ़ा हो चुका है और कितना अच्छा बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर एक मिक्सी जार लेंगे और सारे बैटर को इसी मिक्सी जार में डाल देंगे। और आप देख रहे होंगे कितना गाढ़ा है, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से बनेगा, लेकिन अभी देखिए बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पर ढक्कन को लगा के और इसको बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर मिक्सी जार को रोक रोक के पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पीस के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ और बारीक पेस्ट बन के तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छी कुल्फ़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। इसको हमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर दिए, कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर कुल्फ़ी मोड ले लेंगे और कुल्फ़ी मोड के अंदर हम ये इस बैटर को भर देंगे और ये कुल्फ़ी व्रत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आप इस तरह से कुल्फ़ी बना के रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ ठंडा खाने का मन करे तो आप इस तरह से कुल्फ़ी निकाल के और खा सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारे मोड को भर लिया है और मोड भरने के बाद अब इसके ऊपर हम बटर पेपर लेंगे और इसको हम चारों तरफ से मोड़ के और इसके ऊपर लगा देंगे। आप यहां पर सिल्वर फॉल भी लगा सकते हैं या कोई भी पेपर आप लगा सकते हैं।
और लगाने के बाद ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। रबर बैंड को हम टाइट लगाएंगे जिससे ये कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर से पेपर ना हटे। और ये देखिए हम लगा दिए हैं, और इसी तरह से हम सारे मोड पे बटर पेपर लगा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर बटर पेपर लगा के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर एक नाइफ लेंगे और ऊपर से हल्का सा क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और इसमें आइसक्रीम स्टिक को लगा देंगे। और इसी तरह हम सारे कुल्फी मोड पे आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। यहाँ पर हमने सारे कुल्फी मोड में आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया है, और लगाने के बाद और जो बचा हुआ बैटर है इसको एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अभी इस कुल्फी मोड को उठा के हम फ्रीजर में रख देंगे और लगभग 6 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर हम 6 घंटे बाद निकाल के देख रहे हैं और ये कुल्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुल्फ़ी मोड के ऊपर से हमने बटर पेपर को हटा दिया और यहाँ पर एक बाउल में पानी लिया है। पानी के अंदर ये मोड को डाल के और इसको कुछ देर के लिए रखेंगे, और फिर इसके बाद हाथ से इसको रगड़ते हुए और इसको बड़ी ही आसानी से हम कुल्फ़ी मोड से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह हम सारी कुल्फ़ी को निकाल लेंगे, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कुल्फी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल अच्छी सी स्मूथ कुल्फी बनके तैयार हुई है। और आपका व्रत में यदि कुछ ठंडा खाने का मन करे तो आप इस तरह से कुल्फी बना के और खा सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनके तैयार हुई है। आई होप आपको ये कुल्फी बनाने का तरीका पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप भी इस तरह से कुल्फी बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर मैंने ये बाउल में कुल्फी रखा था, वो भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं कितनी अच्छी बनी हुई है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। तो आई होप आपको ये कुल्फी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और जानने वालों के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि बनाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।